हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू योर चैनल एस एग्ज़ाम। और आज हम कवर कर रहे हैं जीआई टैग्स, जो कि अभी रिसेंटली इंडिया की कुछ प्रोडक्ट्स को दिया गया है। अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें जीआई टैग की, तो ये एक प्रोडक्ट को दिया जाता है जो कि स्पेसिफिकली टू एक पर्टिकुलर एरिया में ही उसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जिसका डिस वो प्रोडक्ट जिसका डिस्टिंक्टिव फीचर और रेपुटेशन उसके प्लेस ऑफ ओरिजिन से ही हमें जानने को मिलता है। जैसे कि सैफरन का ओरिजिन हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सैफरन होता है। एप्पल्स या तो हिमाचल के फेमस होते हैं या फिर अगेन ये जम्मू एंड कश्मीर के फेमस होते हैं। तो जैसे कि अगर हम बोलें कि यहाँ का अगर हम तालों की बात करें, तो हमें एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट याद आता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का ये ताले बहुत फेमस हैं, ठीक है। तो जो एक प्रोडक्ट है उसकी पहचान उसकी जगह से होती है और उस जगह की पहचान उस प्रोडक्ट से होती है, ठीक है। इंडिया में जीआई टैग को जो गवर्न करता है वो कौन सी गवर्निंग बॉडी होगी, तो वो होगी जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये किस कौन से ईयर का एक्ट है, तो ये 1999 का एक्ट है। दार्जिलिंग टी इसको इंडिया में सबसे पहले क्या जीआई टैग दिया गया था। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम तमिलनाडु का है अभी के हिसाब से, कुछ टाइम पहले इट वाज फॉर केरला, ठीक है। बेनिफिट की अगर हम बात करें तो एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है उस जो भी प्रोड्यूस है उस एरिया के, ठीक है। इसके बाद आप इसको इलीगली यूज़ नहीं कर सकते एंड वो जो लोकल प्रोडक्ट है उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक नई पहचान मिल जाती है। जैसे कि अगर हम आगे एग्जांपल लेंगे कि हमने कई बार देखा होगा नरेंद्र मोदी जी को एक स्कार्फ पहन के रहते हैं वो, ठीक है। कई मीटिंग्स में उन्होंने वो स्कार्फ कैरी किया हुआ है, वो एक असम का जीआई टैग है, ठीक है। तो एक उसको इंटरनेशनल पहचान मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए इस साल के जीआई टैग हम देखते हैं, तो गुजरात स्टेट से दिया गया है माता ने पछेड़ी को जीआई टैग, ठीक है, इस साल। देन ये एक पेंटिंग है, ठीक है। बिहार से हमें दिए गए हैं वो है मरचा चावल, मिथिला का मखाना, और अगर हम कुछ और बात करते हैं तो मधुबनी पेंटिंग्स हो गई जो कि बिहार की काफ़ी फेमस हैं। तो आप ऐसे याद कर लीजिए एक साथ कि किसको कहाँ दिया गया है, ठीक है। आसाम के जो गमोसा स्कार्फ हैं, आपने कई बार उसको देखा हो, नरेंद्र मोदी जी को देखा होगा, वो कई बार इसको कैरी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव जो कर्नाटका है, उसमें यहाँ पे अगर आपको दिख नहीं रहा तो कारी इशाद मैंगोज हैं जो कि कर्नाटका से फेमस हैं, और यहाँ पे इंदी इंदी लिम्बो यहाँ पे फेमस है कर्नाटका में। अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बाटिक प्रिंट है जिसको जीआई टैग मिला गया है। एक है भेड़ेघाट स्टोन क्राफ्ट को, या बालघाट के वर्सानी सारीज को, ग्वालियर के हैंडमेड क्राफ्ट को, गोंड पेंटिंग जो कि यहाँ के गोंड की ट्राइब्स बनाती हैं उनका जीआई टैग भी मिला गया है। एंड सरबती गेहूँ, काफ़ी बार आपने ऐड में भी देखा होगा, तो सरबती गेहूँ को जीआई टैग मिला है। मुरैना के गजक को भी जीआई टैग मिला गया है फ्रॉम एमपी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में चेदी बूता सारीज को जीआई टैग मिला गया है, माटी बनाना उसको जीआई टैग मिला है, मानापरई मुरुकू जो है उसको जीआई टैग मिला गया है। इट्स बेसिकली अ
फूड आइटम ओके अठुर वितरई को जीआई टैग मिला है, कंबम ग्रेप्स को जीआई टैग यहाँ पे दिया गया है तमिलनाडु में, वेल्लोर के स्पाइनी ब्रिंजल्स जो हैं, जैसे कि ये ब्रिंजल है ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्पाइन्स आपको देखने मिलेंगे, मतलब कांटे देखने को मिलेंगे, आपने कई बार खाए भी होंगे, तो ये वेल्लोर के स्पाइनी ब्रिंजल्स को यहाँ पे जीआई टैग देखने को मिला है। रामनाथपुरम की मांडू चिलीज को भी यहाँ पे जीआई टैग तमिलनाडु में मिला है। नेक्स्ट अगर हम यूपी की बात करें तो अमरोहा के ढोलक को यहाँ पे जीआई टैग मिला है, कल्पी के हैंडमेड पेपर्स हो गए, बाराबांकी का हैंडलूम प्रोडक्ट हो गया, या महोबा गौरव पत्थ गौ गौरा पत्थर हस्तशिल्प को यूपी के जीआई टैग मिला है, मैनपुरी की तरकाशी को, संभल के हॉर्नक्राफ्ट को, मुजफ्फरनगर के गुड़ को, बनारस के लंगड़ा आम को, अलीगढ़ के लॉक्स को, और आदमचीनी राइस को, और नगीना के वुडक्राफ्ट को यहाँ पे जीआई टैग यूपी में दिया गया है। अगर हम बात करें चोखुआ राइस की, तो ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो चोखुआ राइस अगर हम बात करें तो ये है हमारा असम का प्रोडक्ट ओके, इसी को ही हम बोलते हैं मैजिक राइस आल्सो, मैजिक राइस ठीक है। अरियट्टम या परक्कम पुथा केरलु को कहाँ कहाँ का है ये जिसको जीआई टैग मिला है, तो ये है हमारा तमिलनाडु का ठीक है, सॉरी ये है हमारा आंध्र प्रदेश का, एंड ये एक काइंड ऑफ गुड़ और राइस का जो स्वीट होती है उसको बोला जाता है ठीक है। बीकानेर के उस्ता काला क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जो कि है हमारा कहाँ राजस्थान में ठीक है। मशहूर बुकई राइस को जीआई टैग मिला है, जो कि है हमारा कश्मीर का, ये कश्मीर का राइस है ठीक है। कई बार आपसे या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेगा या ये किसी भी तरीके से पूछ लेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। राजौरी के चिकारी वर्क क्राफ्ट को मिला है, जो कि अगेन जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है। कारापुत का काला जीरा राइस जो है उसको भी जीआई टैग मिला है, ये कहाँ से है, तो ये उड़ीसा से है, एंड इस जीरा राइस को प्रिंस ऑफ राइस भी कहते हैं, प्रिंस ऑफ राइस यानी कि राइस का प्रिंस को क्या बोलेंगे ठीक है। लेदर फुटवेयर को जीआई टैग मिला है, जो कि कहाँ से है, तो ये है हमारा आगरा से, आगरा से। और राजस्थान के पिचवई पेंटिंग्स, ये मैंने पेंटिंग्स वाली मैपिंग सीरीज में भी करवाया है, तो वहाँ के पिचवई पेंटिंग्स को भी जीआई टैग मिला है ठीक है। जालेसार दत्तू शिल्प को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का है, ये है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, ये एक बेसिकली मेटल क्राफ्ट है ठीक है। मुरकुंद मैंगोज़ की अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा गोवा का, एंड काशीदार क्राफ्ट की अगर हम बात करें, काशीदारी क्राफ्ट की, तो ये अगेन हमारा राजस्थान के बीकानेर में आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बदेरवा राजमा की बात करते हैं, तो ये कहाँ की है, ये अगेन हमारी कश्मीर का जीआई टैग है ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफ्तगारी मेटल क्राफ्ट, तो ये मेटल क्राफ्ट कहाँ का है, ये है हमारे राजस्थान का जीआई टैग। नेक्स्ट हमारे पास आता है रामबन का सुलई हनी, तो रामबन अगर हमें पता है कहाँ पे है, तो ये है हमारा गैर जे एन के में आपको देखने को मिलेगा। बंदेज क्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है,
कहाँ का जीआई टैग है? बंदेज क्राफ्ट, तो ये अगेन हमारा राजस्थान का जीआई टैग है, बंदेज क्राफ्ट। ठीक है, गुआन बेबिनिका, अगर हम बात करें कि कहाँ का है, तो गुआन बेबिनिका बेसिकली एक स्वीट डिश है, एक डिज़र्ट है बेसिकली, कहाँ का? गोवा का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था, सारे हम लोगों ने देख लिए हैं इस बार के जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इट विल गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोस। और अगर आपका कोई सजेशन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, आप अपना ख्याल रखिए, थैंक यू एंड जय हिंद।